ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين آج ان شاء الله ہم سورۃ المطففین پڑھیں گے अम्मा पारा है जिसका हम सिलसिले वार यहाँ मुताला कर रहे हैं और पिछली मरतबा हमने सूरतुल इंफितार मुकम्मल की थी। आज इंशाअल्लाह सूरतुल मुतफ़िफ़ीन पढ़ेंगे। मुतफ़िफ़ीन ये लफ्ज़ है जो इसकी पहली आयत में आया है और इससे मुराद होता है वो लोग कि जो नाप तोल में कमी करते हैं। अल मुतफ़िफ़ीन कफ कहते हैं किसी छोटी सी हकीर सी चीज़ को। अल मुतफ़िफ़ या अल मुतफ़िफ़ वो लोग के जो छोटी सी कमी कर लें। एक होता है बड़ा चोर, एक होता है छोटा चोर। वो आदमी जो छोटी सी चोरी करे उसे कहते हैं अल मुतफ़िफ़ीन। खास तौर पे नाप तोल की कमी करने वाला, नाप तोल की कमी करने वाला भी चोरी करता है। जैसे कोई आटा दाल लेने गया है, चीनी लेने गया है और उसने 2 किलो कहा, 2 किलो के पैसे दिए, लेकिन जो वजन करने वाला है उसने कोई इस तरह का काम किया कि 2 किलो के बजाय कुछ ग्राम कम दे दी चीनी, कुछ ग्राम कम दे दी, तो इसने कितने की चोरी की? अगर आप पैसों में हिसाब लगाएंगे तो वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट बनता है। उसको अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया अल मुतफ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वाले या बहुत छोटी सी चोरी करने वाले, छोटी सी डंडी मारने वाले, लेकिन इतनी छोटी सी चोरी के पीछे जो रीज़न है वो कितना बड़ा है। इतनी छोटी सी करप्शन उसके पीछे जो रीज़न और उसके जो नतायज हैं वो कितने बड़े हैं, इस सूरत में अल्लाह सुभानहु व तआला ने फरमाया। इस चोरी का मतलब ये है कि ये चोरी करने वाला शख्स समझता है कि अल्लाह मुझे नहीं देख रहा। क्या समझता है? अल्लाह मुझे नहीं देख रहा, क्योंकि ये शख्स ऐसी चोरी कर रहा है कि जो पकड़ में नहीं आ रही, इसको कोई पकड़ नहीं सक रहा, लेकिन अल्लाह तो जानता है। तो एक शख्स जो अल्लाह को मानता है जब वो नाप तोल में कमी करता है तो वो क्या बता रहा है कि वो ये समझता है कि मुझे अल्लाह नहीं देखता, और या फिर वो ये समझता है कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, मरने के बाद अल्लाह को हिसाब नहीं देना, छोटी चोरी सी और सजा इतनी बड़ी मिलेगी कयामत के दिन। तो अकलमंद आदमी वो होगा तो ये छोटी चोरी नहीं करेगा,
लेकिन अल मुतफ़फ़ीन कौन है जो नाप तोल में कमी कर रहे हैं और अपने अमल से अपने आप को भी और सबको ये बता रहे हैं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता। हालांकि हो सकता है मोमिन हो सकता है मुसलमान हो, इकरार करता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन नाप तोल में कमी करता है। और जब वो नाप तोल में कमी करता है वो अपने आप को ये बात याद दिलाता है कि अल्लाह को मैं नहीं मानता और आखिरत नहीं, और इस ईमान को वो अपने दिल में पक्का करता जा रहा है हर जोरी के साथ। इस सूरत का आगाज इस मसले से हुआ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़फ़फ़ीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। वैलुल, हलाकत है लिल मुतफ़फ़फ़ीन, उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, वो लोग के जब वो नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वो लोग जब नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, क्या मतलब ये एक शख्स है वो आटा दाल बेचता है, तो जब कोई उससे लेने के लिए आता है तो वो डंडी मारता है, 2 किलो के पैसे लेता है और 1.5 किलो या 1-2 किलो में थोड़ा सा कम करके दे देता है। लेकिन फिर जब ये जाता है बाजार कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, इसको भी तो सब चीज़ें चाहिए, जब ये जाता है कोई चीज़ खरीदने जिसको नाप के या तोल के दिए जा रहा हो, तो क्योंकि अब इसको मालूम है कि डंडी कैसे मानी जाती है, क्योंकि इसको डंडी मारने की सारी टेक्निक्स मालूम है, तो ये पहले ही चेक कर लेता है कि मेरे साथ तो डंडी तो नहीं मार, कि मैं अगर 2 गज कपड़े के पैसे दे रहा हूँ तो मुझे पूरे पूरे कितने मिले, पूरे पूरे मिले। कोई वजन करके चीज़ ले रहा हूँ तो मशीन सब चेक कर लेगा कि ऐसा तो नहीं कि क्या मेरे साथ करप्शन हो रही है। तो यहाँ अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास, जब वो नाप कर लेते हैं लोगों से, यस्तौफून, तो पूरा पूरा लेते हैं। وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, लेकिन जब वो नाप कर देते हैं या तोल कर देते हैं तो कमी करते हैं, खुद करप्शन करते हैं और चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ना रहे। और ये हर मामले में लगता है, जैसे एक एम्प्लॉई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है और उसका डिसाइडेड क्या है, इतने बजे आएगा, इतने बजे तक रुकेगा और काम अपना पूरा करेगा, उसकी ये सैलरी होगी। सैलरी लेते हुए ये शख्स चाहता है कि 1 रुपया भी ना कटे, बोनस भी मिले और इसके अलावा जो अलाउंस है वो भी सारा मिल जाए, और इसके अलावा जो कंपनी ने कोई बेनिफिट रखा है वो पूरा पूरा मैं ले लूं, और जब काम की बारी आती है तो थोड़ा सा लेट आ जाए, थोड़ा सा जल्दी निकल जाए, काम के दौरान कोई और काम भी कर ले, मैच भी देख ले, स्टॉक भी चेक कर ले, किसी और जगह पर अप्लाई कर दे वहीं बैठ कर, ये सारी डंडियां वो शख्स मार रहा है, चाहता है जब मैं लूं तो पूरा लूं, जब मैं दूं तो आधा लूं। और यही मसला एम्प्लॉयर का हो सकता है कि जब अपने एम्प्लॉयज से काम लिया जा रहा है तो एक एक चीज काउंट की जा रही है, आना जाना काम को, जब पैसे देने की बारी है तो पैसे ना दे, महीना महीना पैसे ना दे, 2-2 महीने तक तनख्वाह ना दे, करें तो बिला वजह काट के दे, तो दोनों तरफ ये मसला हो सकता है। इंसानी ताल्लुक में जितने मुआहदात हैं, इंसान करप्ट इंसान ये चाहता है कि मैं करप्शन करूं लेकिन मेरे साथ कोई करप्शन ना करे। वैलुल्लिल मुतफ़फ़फ़ीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब वो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। और इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, जब उन्हें नाप कर देते हैं या तोल कर देते हैं तो कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या नहीं यकीन रखते ये लोग कि उन्हें लाजमन कब्रों से उठाया जाएगा। लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन जब खड़े होंगे तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के सामने, क्या उन्हें नाप तोल में कमी करने वाले, डंडी मारने वाले, करप्शन करने वालों को ख्याल नहीं कि उन्हें एक दिन अल्लाह के सामने दोबारा खड़ा होना है और हिसाब किताब देना है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएंगे। ये है वो बात, अल मुतफ़फ़्फ़िफ़,
छोटी सी चोरी करना और इफेक्ट कितना बड़ा है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इन्हें यकीन नहीं इस बात का कि दोबारा खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हर मरतबा वो छोटी करप्शन हमारे ईमान को पक्का कर रही है कि कोई आखिरत नहीं है। कौन से ईमान को पक्का कर रही है? कोई आखिरत नहीं। हर मरतबा छोटी सी करप्शन हमारे ईमान को पक्का करती है, हमारा हर अमल हमारे ईमान को पक्का करता है। और जब हम अपना काम पूरा करते हैं ये सोच करके अल्लाह को हिसाब देना है, तो हमारा ईमान पक्का होता है कि अल्लाह को हिसाब देना है। तो इस सूरत में आगाज में ये बात बयान, अल मुतफ्फिफ छोटी चोरी करने वाले, और नुकसान कितना बड़ा है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इन्हें नहीं लगता कि इन्हें खड़ा किया जाएगा। लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन खड़े होंगे इंसान रब्बुल आलमीन के सामने। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, यकीनन फासिक और फाजिरों के नामे आमाल होंगे सिज्जीन में। सिज्जीन कहते हैं जेल खाने। जब कोई शख्स मर जाता है, अगर वो नेक था तो उसकी रूह को नेकोकारों के तौर पर ट्रीट किया जाता है, उसकी रूह बड़े आराम से निकल जाती है, फरिश्ते उसको लेकर आसमानों पर जाते हैं, उस रूह का इस्तकबाल होता है, और फिर उसको रखा जाएगा बहुत बुलंद जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर उसका इकराम होगा, इंतजार होता है कयामत के दिन। अगर कयामत का दिन आएगा, मुर्दे कब्रों से जिंदा होंगे, तो इस रूह को दोबारा उस जिस्म में डाल दिया जाएगा। और अगर आदमी गुनहगार था तो उसकी रूह भी स्याह हो चुकी होती है, मरते वक्त उसकी रूह खींचते हुए उसको तकलीफ होती है, उसके बाद वो रूह को फरिश्ते ऊपर लेके जाते हैं, उनका कोई इस्तकबाल नहीं होता, और फिर उनको रख दिया जाता है कैद खाने। कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जार लफी सिज्जीन, बेशक फासिक और फाजिर के नामे आमाल होंगे सिज्जीन में। यहाँ किताब नामे आमाल का लफ्ज आया है क्योंकि रूह हमारे हमारे सारे आमाल हमारे रूह पर उसके असरात हो रहे होते हैं, इसलिए कहा गया इन्ना किताबुल फुज्जार लफी सिज्जीन, फासिक और फाजिरों की किताब होगी सिज्जीन में। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुमने क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। किताबुन मरकूम, ये एक किताब है लिखी हुई। वैलुन यौमइज़िन लिल्मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। झुठलाने वालों का क्या मतलब होता है? वो शख्स जो किसी चीज को झूठ कहता हो कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई एक इंसान कहता है कि कयामत नहीं आएगी, इसको कहते हैं कि ये कयामत को झुठला रहा है, झूठ कह रहा है, ये कह रहा है ये सब झूठ है, कोई कयामत नहीं आएगी। वही यौमइज़िन, तो उस दिन कयामत जब आ जाएगी, उस दिन बर्बादी है झुठलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, वो लोग जो कयामत के दिन को झुठलाते हैं। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअ्तदिन अज़ीम, और इस कयामत को सिर्फ वही लोग झुठलाते हैं जो मुअ्तद है और अज़ीम, मुअ्तद हद से गुजरने वाले और अज़ीम गुनहगार। ये कुरान हकीम में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रवा में अल्लाह सुभान व तआला बयान फरमाते हैं, मगर उसके पीछे एक बहुत अहम बात होती है, गहरी बात है। कि एक शख्स है, वो कह रहा है मैं कयामत को नहीं मानता, दलाइल भी दे रहा है, बहस भी कर रहा है, डिबेट भी कर रहा है, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअ्तदिन अज़ीम, इस कयामत को वही झुठलाता है जो हद से गुजरा हुआ होता है और गुनहगार होता है। गुनहगार आदमी कयामत को झुठलाता है। जिस आदमी ने तैयारी नहीं की होती, इम्तिहान बुरा दिया होता है, वो रिजल्ट डे से डरता है और झुठलाता है कि रिजल्ट डे आएगा ही नहीं। और जिस आदमी ने तैयारी की होती है और इम्तिहान अच्छा दिया होता है, वो रिजल्ट डे का इंतजार करता है और उसको सही समझता है। तो जो गुनहगार आदमी होता है, क्योंकि वो रिजल्ट डे से डरता है, इसीलिए झुठला देता है, कहता है आएगा ही नहीं, रिजल्ट डे आए तो उसके लिए दलाइल भी सोचता है, बहाने भी सोचता है, बहस भी करता है। असल मसला क्या है? हद से गुजरना, गुनहगार होना। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअ्तदिन अज़ीम,
इदा तुतला अलैहि आयातुना قال اساطير الاولين, जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें तो वो कहता है कि ये कहानियां हैं पिछले लोगों की। जब कुरान सुनाया जाता है जिसमें आखिरत का जिक्र होता है तो कहता है ये पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि जंग लगा दिया गया है इनके दिलों पर इनके आमाल की वजह से। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, रान कहते हैं जंग, रस जैसे लोहा लोहे पे जंग लग जाता है ऐसे दिलों पे भी जंग लग जाए। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो अमल वो किया करते थे उसकी वजह से दिलों पर जंग क्यों लगा, अमल की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों पर काला नुक्ता लग जाता है जब इंसान गुनाह करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता लगा दिया जाता है, एक ब्लैक डॉट। अगर वो तौबा कर ले तो ये धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तौबा ना करे तो ये वहीं रह जाए। एक और गुनाह करेगा एक और डॉट लगा दिया जाए, फिर एक और गुनाह करेगा एक और डॉट लगा दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गुनाह करता रहता है, तौबा नहीं करता, गुनाह करता रहता है, उसका पूरा दिल काला हो, और यही वो बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यही वो बात है जो सूरतुल मुतफ़िफ़ीन में फरमाई गई, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं इनके दिलों पर जंग है इनके आमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से दिल पर जंग पड़ जाता है। और दिल पर जंग पड़ने से क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जो ऑर्गन्स दिए हैं जैसे आंखें दी हैं कान दिए, हर किसी का एक फंक्शन है, और अगर वो खराब हो जाए तो वो फंक्शन नहीं अदा हो सकता। जैसे आंखों का फंक्शन है देखना, अगर आंखें खराब हो जाएंगी तो क्या होगा, नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से दिल, दिल का क्या फंक्शन है, इंसान का जो दिल है उसका सिर्फ एक फंक्शन नहीं है कि वो ब्लड को सर्कुलेट करे, इंसान का दिल है रूह का मस्कन, दिल में होती है रूह, और यही से बात समझ आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में एक बात फरमाई कि इंसान को जो दीन की बात समझ आती है वो दिल से समझ आती है, और दिल मुर्दा हो जाए या दिल पे जंग लग जाए तो बात समझ नहीं आती। तो दिलों पर जंग लग जाता है गुनाहों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह हो जाओ, अला फिल जसद मुद्गतु, आगाह हो जाओ इंसान के सीने में एक गोश्त का टुकड़ा है, इदा सलहत सलह अल जसद कुल्लु, अगर ये ठीक हो गया सारा जिस्म ठीक हो जाए, व इजा फसदत फसद अल जसद कुल्लु, अगर ये गोश्त का टुकड़ा खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब हो जाएगा, अला व हियल कल्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगा हो जा वो क्या है, दिल, और दिल पे असर पड़ता है गुनाहों से, गुनाहों से दिल पे जंग पड़ जाता है, दिल पे जंग पड़ गया तो सब खत्म, फिर हिदायत नहीं है, फिर एक वो जानवर जैसा तो होगा, एक इंसान है वो सारे काम अपने कर रहा है, दिल उसका होता है, जैसे काफिरों के बारे में फरमाया कि उनके दिलों पर जंग है, उनके दिलों पर मोहर है, लेकिन काफिर खाता भी है, पीता भी है, कमाता भी है, प्रमोट भी होता है, कामयाब भी होता रहता है दुनिया में, ये सब दुनिया भी चीजें, हिदायत नहीं मिल सकती उसको जिसका दिल मुर्दा है। तो यहाँ फरमाया कल ला बल अराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं इनके दिलों पर जंग पड़ चुका है इनके आमाल की वजह से। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं बेशक वो अपने रब के दीदार से महरूम रहेंगे उस दिन, महजूब रहेंगे। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, महजूब वो जो हिजाब के पीछे पर्दे के पीछे, तो ये लोग महजूब रहेंगे अपने रब से उस दिन। क्या मतलब, कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक लोगों को दीदार कर दे फरमा देंगे, दीदार अलाउ कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीदार करवाएंगे नेक लोगों को अपना, अपनी तजल्लियात का।
लेकिन जो गुनहगार लोग होंगे उनको पर्दे में रख दिया जाएगा, वो नहीं कर सकेंगे दीदार। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं वो अपने रब से उस दिन पर्दे में होंगे। थुम्मा इन्नहुम लसाउल जहीम, फिर उनको दाखिल कर दिया जाएगा जरूर जहन्नम में। थुम्मा युक़ालु हाज़ा अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर कहा जाएगा कि ये है वो जो तुम झुठलाया करते थे, ये है वो दिन जिसको तुम झुठलाते थे। दुनिया में तुम कहते थे कोई हिसाब किताब नहीं है, सजा नहीं है। कल्ला इन्न किताब अलअबरार लफी इल्लियीन, हरगिज नहीं बेशक नेक लोगों के नामाए आमाल इल्लियीन में होंगे, उनकी जो नेक रूहें मरने के बाद उन्हें इल्लियीन में रखा जाएगा। वमा अदराका मा इल्लियून, और तुम्हें क्या पता कि इल्लियून क्या है? किताब मरकूम, ये एक किताब है लिखी हुई, स्टोरेज है। जो नाम जो काम हम करते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब हम मर जाते हैं तो ये तमाम रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया जाता है एक जगह पर, और वो इल्लियीन है अगर शख्स नेक था, और सिज्जीन है अगर शख्स बुरा था। किताब मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून, उस पर हाजिर होते हैं सिर्फ मुकर्रब फरिश्ते। ये जो नेक लोगों की रूहें रखी गई हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं वो फरिश्ते जो बहुत अल्लाह के करीब हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग नियामतों में, नियामतों वाली जन्नत में। नियामत क्या कहते हैं? हर उस चीज को जो हमें अच्छी लगे, हमें एक्साइट करे, हमें एंटरटेन करे, हर वो चीज जो हमें पसंद है वो नियामत है। वो खेल कूद है, खाना पीना है, जो कुछ हमें पसंद है। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग होंगे नियामतों में। आदल अराइक यंजुरून, वो तख्तों पर बैठे हुए देख रहे होंगे। तारिफ फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, आप पहचानेंगे उनके चेहरों में नियामतों की ताजगी, उनके चेहरे रौनक वाले होंगे। युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूम, वो पिलाए जाएंगे ऐसी शराब, ऐसी ड्रिंक उनको पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी हुई सील। खितामुहु मिस्क, मोहर लगी हुई होगी खुश मिस्क जो खुशबू है। वफी ज़ालिका फलयतनाफ़सुल मुतनाफ़िसून, और इसी में लिहाजा चाहिए कि रहबत करें रहबत करने वाले, यानी जो लोग नेमतों के पीछे भागते हैं, यानी दुनिया में लज्जतों के पीछे भागते हैं, एंटरटेनमेंट हो, खाना पीना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया की लज्जतें नहीं बल्कि जन्नत की लज्जतों के पीछे भागना चाहिए, कॉम्पिटिशन होना चाहिए। वफी ज़ालिका, इस चीज पर फलयतनाफ़सुल मुतनाफ़िसून, जो लोग रहबत रखते हैं उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो ये वो चीजें हैं जन्नत की नियामत जिसके लिए मेहनत करो। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, और जो ड्रिंक उन्हें पिलाया जाएगा उस पे मिलावट होगी तस्नीम, उसमें एक और फ्लेवर ऐड किया हुआ होगा तस्नीम का। आईना यशरबु बिहल मुकर्रबून, वो तस्नीम क्या है? एक चश्मा है जिससे वो जन्नत वाले पिएंगे जो अल्लाह के बहुत करीब होंगे। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, अभी अल्लाह सुभानहु व तआला ने एक पूरी बात फरमा दी। सबसे पहले फरमाया कि नाप तोल में कमी करने वाले वो ये समझते हैं कि अल्लाह नहीं है, उठाया नहीं जाएगा, जवाब नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद फरमाया कि क्यों नहीं, कयामत भी आएगी, हिसाब किताब भी होगा, गुनहगार लोगों को सजा मिलेगी और नेक लोगों को नेमत मिलेगी। अब उसके बाद कंक्लूजन में इस सूरत के आखिरी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो करंट सिचुएशन, यानी जब ये कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त सिचुएशन क्या थी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की दावत दे रहे हैं, चंद लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए हैं, सहाबा मक्का में हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और चंद ही हैं मक्का में, ज़्यादातर आबादी वो मुशरिकों की है, ज़्यादा ताकत भी उनके पास है। मुसलमान तो इस वक्त दावत दे रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, और काफिर ज़्यादा भी हैं, ताकत में भी हैं, मुसलमानों को तकलीफें भी पहुँचाते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और जो मेजॉरिटी चलन होता है, जो मेजॉरिटी की सोच होती है, उससे हटकर सोच रखने वालों को माशरे में इज्जत नहीं मिलती बल्कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है,
कि ये लोग पागल हैं, सब लोग एक काम कर रहे हैं, ये लोग कोई और काम कर रहे हैं, सब लोग शिर्क कर रहे हैं, इन्होंने कोई नया दीन बना दिया। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, हर जगह सुनने को मिलती है। तो उस वक्त सहाबा जो है वो एक तरह से गम में, उनको उनके घर वालों ने बुरा भला कहा, दोस्तों ने बुरा भला कहा, मार पिटाई हुई है, नुकसान हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये सब आरजी है, ये सब तकलीफें जो मोमिनों को फेस करनी पड़ती हैं दुनिया में, ये सब आरजी है। और काफिरों को जो दुनिया में दबदबा मिला हुआ है, गलबा मिला हुआ है, ये आरजी है, टेम्पररी। अभी काफिर मजाक उड़ाते हैं मुसलमान का, जब कयामत आ जाएगी, हिसाब किताब हो जाएगा, तब पता चलेगा, जब अहले ईमान फिर याद दिलाएंगे काफिरों को कि तुम हमारा मजाक उड़ाते थे। उसका जिक्र अब यहाँ हो रहा है, इन्नल लजीना अजरमू, बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किया, मुजरिम, कानू मिनल लजीना आमनू यदहकून, वो लोग अहले ईमान पर हंसते, इन्नल लजीना अजरमू, बेशक जुर्म करने वाले, कानू मिनल लजीना आमनू यदहकून, वो अहले ईमान पर हंसते, यदहकून यानी हंसना, वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब वो गुजरते हैं मुसलमानों पर से, मुसलमानों के पास से गुजरते हैं, यतगामज़ून, तो आंखों से आपस में इशारे करते हैं ना, आपस में किसी का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, इशारा किया जा रहा होता है, कानाफूसी की जा रही होती है, हंस रहे होते हैं, तालियां मार रहे होते हैं, देखकर मजाक उड़ाने वाला अंदाज होता है इन लोगों का अहले ईमान से। वइज़ा क़रबू इला अहलिहिम क़रब, وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِيمٌ, और जब वो लौटते थे अपने अहल की तरफ तो लौटते थे दिल लगी करते हुए, यानी अपने घर वालों में या अपने लोगों में, अपने दोस्तों में जब जाते थे तो मजाक उड़ाते कि वो लोग हैं मुसलमान हैं, वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, सारे गुमराह हो गए हैं, और जो है वो फला काम करते हैं, आपस में बैठ के भी उनके पीठ पीछे भी उनका मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का, और सामने भी आंखें इशारे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जब काफिर मुसलमानों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये लोग गुमराह हैं, काफिर कहते हैं कि मुसलमान गुमराह, और जब वो देखते हैं उन्हें काफिर मुसलमानों को, कालू तो कहते हैं इन्नहा उला इला गौलून, ये लोग गुमराह हैं, हालांकि नहीं भेजे गए थे वो उन पर निगरान बनाकर। यानी काफिरों को क्या परेशानी हो गई है मुसलमानों से कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वमा उरसिलु अलैहिम हाफिजीन, हमने उनको उन लोगों पर निगरान बनाकर नहीं भेजा था, फलयौमल लजीना आमनू मिनल कुफ्फारि यज़हकून, तो अब चुनाचा आज यानी कयामत के दिन आज अहले ईमान काफिरों पर हंस रहे होंगे, फलयौमल लजीना आमनू मिनल कुफ्फारि यज़हकून, तो आज अहले ईमान काफिरों पर हंस रहे होंगे। यानी काफिर क्यों हंसता है मुसलमान पर, कि दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, ये लोग पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं, किन बातों में लगे हुए हैं, अभी तक वही किसी पीटी बातें हैं कि मरने के बाद जन्नत की बातें, जहन्नुम की बातें, नेकी की बातें, और यही सारी बातें जो आपने बड़े आराम से सुन ली, आप कहीं बाहर घर में जाके करें कि दिल होता है, दिल पे नुकता पड़ता है, उस पर जंग लग जाता है, वो ऐसे कि वहाँ हार्ट सर्जन भी बैठे हो कि हमने दिल निकाल के इतनी बार तब्दील किए हैं, आपका बात कर रहे हैं, सारी बातों का मजाक उड़ाना कि ये वो बातें कर रहे हैं जो कोई जो है पुरानी हो गई है, एक दौर था तबा फमात का दौर, असल फिर चीज़ क्या है, जब तुझे चलो फिर क्या करें, वो लोग तुम क्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक तुम क्या करते हो, दुनिया कमाते पैसे, कमाते पैसे खर्च करते, पैसे कमाते पैसे खर्च करते, मर जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी, सुबह से शाम तक पैसे कमाते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक पैसे कमाते, सैटरडे संडे को वो पैसे खत्म हो जाते, फिर पैसे कमाते फिर खत्म हो जाते, किस चीज़ में खत्म हो जाते, शराबों के अंदर, क्लबिंग के अंदर, खेल कूद में, स्पोर्ट के अंदर, फिल्मों के अंदर, इसके अंदर पैसे खत्म हो जाते, तो ये काम करना ज़्यादा सही। तो काफिर अहले ईमान का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये पुरानी बातें करते हैं, किसी और दुनिया में रहते हैं, जब कयामत का दिन आ जाएगा, जब काफिरों को उनका हिसाब किताब दे दिया जाएगा, तो वो खुद अपने ऊपर हंस रहे होंगे
काफिर अफसोस कर रहा होगा अपनी गुजारी हुई जिंदगी पर कि किन बेकार चीजों में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, और अहले ईमान उन्होंने अपनी जिंदगी सही जगह गुजारी, हिदायत पर गुजारी, नेकियों में गुजारी। तो फरमाया फल यौम अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फार यज़हकून, तो आज यानी कयामत के दिन अहले ईमान काफिरों पर हंस रहे होंगे। अलल आराइक यंज़ुरून, अहले ईमान मसेरियों पर तख्तों पर बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे। हल सुबल कुफ्फार मा कानू यफ़अलून, क्या मिल गया काफिरों को बदला उनके करतूत का? ये सवाल है, आखिरी में सवाल है कि क्या मिल गया काफिरों को उनके आमाल का बदला। इसीलिए है कयामत का दिन, ताकि सबको उनके आमाल का बदला मिल जाए, गुनाहगारों को उनका आमाल का बदला मिल जाए, नेकुकारों को उनके आमाल का बदला मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बारकल्लाहु लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मुस्लिमात।